नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। जय आरोग्य चिकित्सालय परिसर में बने कमला राजा महिला और बाल चिकित्सालय में ऑक्सीजन खत्म। आनंद फानंद में ऑक्सीजन का टैंकर भेजा गया। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में जुटे। अस्पताल परिसर में खड़े वाहनों को खुद हाथों से धकेला। विधायक प्रवीण पाठक ने ऑक्सीजन का टैंकर के लिए रास्ता खाली कराया। ऑक्सीजन की कमी से परिजन विचलित। अस्पताल में कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक और सतीश सिकरवार व्यवस्थाएं बनाने में जुटे। परिजनों की चीख बुखार शुरू हुई। ग्वालियर चंबल संभाग ब्यूरो जितेंद्र सिंह कौरव की रिपोर्ट। देखो, अभी लगभग मौतों का आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन 10 से 12 लोग अभी तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग तीसरी मंजिल पर हालत यह है, लोग तड़प रहे हैं, लोग ऑक्सीजन नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स वगैरह डर के कारण या किसी भी कारण वो स्टाफ वहाँ से चला गया है। अब जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भी आ गए उनको लगाने वाले नहीं है। स्थिति बहुत भयानक है, मतलब देखा नहीं जा रहा। जो मंजर देखा नहीं जा रहा। मरने वालों बच्चे भी शामिल हैं। अब बच्चों का अगर नीचे से सिलेंडर उठा के ले गए हो सकता है, बच्चों के सिलेंडर भी ले उठा के ऊपर ले गए हो सकता है। मरने वाले की स्थिति में बच्चे भी शामिल हैं। अभी इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरे पास जो आंकड़ा, अभी 10 लोग अभी तक मर चुके हैं, लगभग उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन गाड़ी कितनी लेट आई है? ऑक्सीजन तो तीन ही, रात भर भी बीन बीन के काम चला है। आप लोगों ने ऑक्सीजन गाड़ी, अभी ऑक्सीजन गाड़ी आई है, लेकिन अभी ऑक्सीजन फिलिंग हो रही है, उसके बाद शुरुआत होगी। अभी स्टाफ नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत स्टाफ की आ रही है। जहाँ स्टाफ चला जा चुका है, स्टाफ जब तक आ जाएंगे। चला